तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर लगा ग्रहण। एक नहीं कई बार ये शो हो चुका है कंट्रोवर्सी का शिकार। कभी किसी को नहीं मिले टाइम पर पैसे, तो किसी से नहीं सही गई इंसल्ट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये शो सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। हर पल हर वक्त इस शो ने दर्शकों को केवल हंसाया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस शो को लग गई है बुरी नजर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार ये शो कंट्रोवर्सी का शिकार हो रहा है। तो चलिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट टेलीज मोस्ट कंट्रोवर्शियल में आपको दिखाते हैं इस शो से जुड़ी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज। जेनिफर मिस्त्री ने 15 साल तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम कर सभी को एंटरटेन किया, लेकिन उनकी शो से एग्जिट इतनी कंट्रोवर्शियल रहेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला ने असित मोदी पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है। असित मोदी के अलावा जेनिफर ने प्रोजेक्ट हेड सोहिल रमानी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज के खिलाफ भी केस फाइल किया। रिपोर्ट के मुताबिक जेनिफर पिछले 2 महीने से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए शूटिंग नहीं कर रही थी। आखिरी बार उन्होंने 7 मार्च को शूटिंग की थी। दावा किया जा रहा है कि सोहिल और जतिन बजाज ने उनकी इंसल्ट की, इस वजह से वो सेट से चली गई। साल 2022 अप्रैल के महीने में तारक मेहता के उल्टा चश्मा के फैंस को बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनके तारक यानी कि शैलेश लोधा इस शो को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। वजह थी उनके और शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी के बीच आपसी मतभेद। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने 6 महीने तक अपने पेंडिंग ड्यूज का इंतजार किया। एज पर रिपोर्ट्स उन्होंने असित कुमार के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज करवाई थी। पुरानी अंजलि भाभी यानी कि नेहा मेहता ने भी शो के मेकर्स पर उनके पेमेंट क्लियर ना करने का आरोप लगाया। एक्ट्रेस के मुताबिक उनके आखिरी 6 महीने के पैसे उन्हें नहीं दिए गए। एक्ट्रेस 12 साल तक इस शो का हिस्सा बनी रही। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहा मेहता के इस एलिगेशन से असित कुमार मोदी को काफी ठेस पहुंची थी। एज पर रिपोर्ट टीम ने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खबर तो ये भी थी कि नेहा फाइनल सेटलमेंट और एग्जिट डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए कोऑपरेट नहीं कर रही थी। वेल, ये शो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का शिकार भी हो चुका है। दरअसल शो में चंपकलाल गड़ा का किरदार निभाने वाले एक्टर अमित भट्ट ने एक एपिसोड के दौरान हिंदी को मुंबई की मेन लैंग्वेज बता दी थी। बस क्या था, उसके बाद एमएनएस ने अपना गुस्सा जाहिर किया, जहां उन्होंने ये दावा किया कि ये दिखाकर उन्होंने महाराष्ट्रंस की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके बाद शूट को रोकने की भी धमकी मिलने लगी थी। धमकी मिलने के तुरंत बाद टीम ने पार्टी से माफी मांगी। साथ ही अमित भट्ट ने राज ठाकरे से माफी मांगते हुए एक लेटर भी लिखा था। सबकी प्यारी बबीता जी यानी कि मुनमुन दत्ता भी कंट्रोवर्सी में आ चुकी है। कुछ सालों पहले एक यूट्यूब वीडियो में मुनमुन ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, जिससे बवाल हो गया था। इस विवाद के बढ़ने के बाद मुनमुन ने वो यूट्यूब वीडियो डिलीट कर दिया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी भी मांगी थी। वेल, किस कॉन्ट्रोवर्सी ने किया आपको सबसे ज्यादा शौक, बताइए अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में। और टीवी से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए टेली मसाला।